कोरोना का मुफ्त वैक्सीन यानी निशुल्क वैक्सीन किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? प्रधानमंत्री जी एवं मोदी सरकार इस बात का जवाब देने से कतरा रहे हैं कि अगर 3 करोड़ को भी मान लें तो भारत की बाकी जनसंख्या जो 135 करोड़ नागरिक हैं उनको कोरोना वैक्सीन कैसे मिलेगी और क्या ये उन 135 करोड़ के लिए कोरोना का टीका मुफ्त होगा? क्या हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, बीपीएल, एपीएल, गरीब और सुविधाओं से वंचित लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त मिलेगा या नहीं? मोदी जी जवाब दीजिए। यदि हां तो उन्हें वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन दिए जाने की क्या योजना है और सरकार इन समाज के दलित, शोषित, वंचित, गरीब वर्गों को कब तक कोरोना का टीका देगी? पूरा देश हमारे मेहनती वैज्ञानिकों, केमिस्ट एवं शोधकर्ताओं की योग्यता, दृढ़ निश्चय व अथक परिश्रम को नमन करता है, जिन्होंने निरंतर कठोर परिश्रम कर रिकॉर्ड समय में कोरोना महामारी की विभीषिका से लड़ने के लिए हिंदुस्तान में टीके का आविष्कार किया। पूरा देश उनका ऋणी है और हमें भारत के इन वैज्ञानिकों पर गर्व है। भारत ने ये आत्मनिर्भरता 4 या 6 साल में अर्जित नहीं की, ये आजादी के बाद 73 साल की मेहनत का नतीजा है कि आज दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में गर्भवती माताओं और बच्चों के सहित हम 40 करोड़, कृपया नोट कीजिए, 40 करोड़ मुफ्त टीके हर साल देश के नागरिकों को लगाते हैं। आजादी के बाद भारत के आधुनिक इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दिया तथा व्यापक तौर पर फैले आजादी के बाद देश में अंधविश्वास को खत्म करने के लिए एक देशव्यापी वैक्सीनेशन या टीकाकरण अभियान शुरू किया ताकि गंभीर बीमारियों से लड़ा जा सके। कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां जिनसे टीकाकरण के माध्यम से 73 वर्षों में हम लड़ पाए वो हैं टीबी, चेचक, पोलियो, कुष्ठ रोग, खसरा, टेटनस, डिप्टेरिया, काली खांसी, हैजा, दिमागी बुखार और मस्तिष्क की सूजन। हमें गर्व है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारों और वैज्ञानिकों की दशकों की मेहनत से आज भारत दुनिया की आधी से अधिक वैक्सीन पैदा करता है, बनाता है। इस टीकाकरण और स्वदेशी वैक्सीन उत्पादन नीति की कुछ उपलब्धियां मैं आपको बताऊंगा। पहला, हमने राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम 1962 शुरू किया, राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम 1962 शुरू किया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत टीकाकरण को 1975 में अनिवार्य बनाया, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोग्राम था 1985 में शुरू किया, 5 राष्ट्रीय मिशन के तहत 1986 में टीकाकरण को शामिल किया गया, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम 1986 में और राष्ट्रीय टीकाकरण नीति नेशनल वैक्सीन पॉलिसी 2011 में कांग्रेस की सरकारें लेकर आई।
यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में राजीव गांधी जी ने की, जिसके तहत देश में 6 बीमारियों का टीका लगाया गया। ये बीमारियां हैं और जिनमें आज भी लगता है, BCG यानी ट्यूबरकुलोसिस, OPV यानी पोलियो, DPT जो है डिप्टेरिया, काली खांसी और टेटनस तथा खसरा। सरकार की प्रतिबद्धता और हमारे वैज्ञानिकों के दृढ़ निश्चय से भारत ने 1977 में चेचक से संपूर्ण मुक्ति पाई। 2005 में कुष्ठ रोग का संपूर्ण उन्मूलन कर दिया और 2011 में देश को पोलियो मुक्त बनाया तथा लगभग ट्यूबरकुलोसिस और हैजा का भी को भी काफी हद तक नियंत्रित किया। यह सरकार की गहन प्रतिबद्धता थी और वैज्ञानिकों की काबिलियत थी कि देश में घरेलू वैक्सीन का विकास और उत्पादन हो पाया। इनमें से कुछ हैं लिक्विड BCG टीका यानी ट्यूबरकुलोसिस का टीका 1951 में मास प्रोडक्शन में चला गया। चेचक का हिंदुस्तानी टीका 1965 में इजाद कर बांट दिया गया। मुंह से दी जाने वाली पोलियो वैक्सीन 1970 में बना दी गई। खसरे का टीका 1980 में उपलब्ध हो गया। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 1997 में बना दिया गया। नोवल H1N1 जो कोरोना वायरस की अर्लियर स्ट्रेन थी, तो नोवल H1N1 का टीका 2009 में बना दिया गया। मुंह से दिया जाने वाला हैजा का टीका 2010 में बना दिया गया और मस्तिष्क की सूजन यानी जापानी बुखार का टीका 2012 में बनाया। पर साथियों, वैक्सीन का विकास और देशव्यापी टीकाकरण को इससे पहले इवेंट या प्रचार प्रसार का स्टंट कभी नहीं बनाया गया, अपितु राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के माध्यम से जन सेवा के मापदंड स्थापित किए गए। पूरा देश सबसे आगे रहकर काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स, वो डॉक्टर हों, स्वास्थ्य कर्मी हों, पुलिस कर्मी हों या दूसरे हों, उनको टीका लगाने में सहयोग देने में कटिबद्ध है। लेकिन याद रखना चाहिए कि वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण एक जन सेवा है। ये राजनीतिक और व्यवसायिक अवसरवादिता का मौका नहीं, ये आपदा में अवसर नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देने होंगे जो देश के 138 करोड़ लोग जानना चाहते हैं। पहला, कोरोना का मुफ्त वैक्सीन यानी निशुल्क वैक्सीन किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? निशुल्क कोरोना वैक्सीन किसे मिलेगी, कितने लोगों को देश में निशुल्क कोरोना वैक्सीन यानी मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जाएगी और आपको, देशवासियों, आपको यह निशुल्क कोरोना वैक्सीन कहां से मिलेगी? भारत के ड्रग कंट्रोलर श्री VG सोमानी ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन की 16.5 मिलियन डोजेस यानी 165 लाख टीके खरीदे हैं, जिनमें से 5.5 मिलियन कोवैक्सीन है भारत बायोटेक के और कोविशील्ड 11 मिलियन है सीरम इंस्टीट्यूट की। अगर हर व्यक्ति को 2 टीके दिए जाएंगे जैसा कहा गया है, तो ये वैक्सीन केवल 82.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा सकेगी। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि हम पहले चरण में 3 करोड़ को लगाएंगे, अभी खरीदे नहीं है पर हम मान लेते हैं। पर प्रधानमंत्री जी एवं मोदी सरकार इस बात का जवाब देने से कतरा रहे हैं
कि अगर 3 करोड़ को भी मान लें तो भारत की बाकी जनसंख्या जो 135 करोड़ नागरिक हैं उनको कोरोना वैक्सीन कैसे मिलेगी और क्या यह उन 135 करोड़ के लिए कोरोना का टीका मुफ्त होगा? क्या मोदी सरकार यह नहीं जानती कि भारत में लोगों की एक बड़ी संख्या यानी 28% लोग गरीबी रेखा से नीचे या गरीब की श्रेणी में आते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है। क्या सरकार को यह नहीं मालूम कि अगर 2011 की यानी 10 साल पहले की जनगणना भी लें तो देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या ही 31-32 करोड़ है? क्या सरकार को यह नहीं मालूम कि देश में बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़े वर्गों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग 41% है? क्या सरकार इस बात से बेखबर है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को जो 2 रुपये किलो का अनाज हम देते हैं उनकी संख्या ही 81,35,00,000 है? ये मैं नहीं कह रहा, यह सरकार का 19 जुलाई 2019 का पीआईबी प्रेस रिलीज कहता। तो यानी 82 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है। तो क्या दलित, क्या हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, बीपीएल, एपीएल, गरीब और सुविधाओं से वंचित लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त मिलेगा या नहीं? मोदी जी जवाब दीजिए। यदि हां तो उन्हें वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन दिए जाने की क्या योजना है और सरकार इन समाज के दलित, शोषित, वंचित, गरीब वर्गों को कब तक कोरोना का टीका देगी? 24 अक्टूबर 2020 को याद करिए, भारतीय जनता पार्टी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने बिहार जाकर कहा कि बिहार के सब नागरिकों को निशुल्क कोरोना का टीका देंगे। 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने साक्षात्कार में देश को कहा कि जैसे ही कोरोना का टीका इजाद होगा देश के हर नागरिक को मिलेगा। 2 जनवरी 2021 को देश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन ने हर नागरिक को निशुल्क टीके का वादा किया और बाद में 24 घंटे में मुकर भी गए। अब मोदी सरकार यह बात बताने से इनकार कर रही है कि देश के कितने करोड़ नागरिकों को मुफ्त कोरोना का टीका मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा और किसको मुफ्त टीका नहीं मिलेगा। सवाल नंबर 2, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत को लेकर है दूसरा पहलू। पहले कोविशील्ड पर आ जाते हैं। कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका एजेड वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा हमारे देश में बनाया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ये वैक्सीन भारत सरकार को 200 रुपए प्रति खुराक की दर से दे रहा है और एस्ट्राजेनेका ने जो इसकी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिनल कंपनी है, डेवलपर है, उन्होंने सार्वजनिक तौर से यह कहा है कि हम पूरी दुनिया को यह टीका नो प्रॉफिट बेसिस पर देंगे। मैं एस्ट्राजेनेका की वेबसाइट का लिंक आपको भेज रहा हूं एंड आई जस्ट कोट द रेलेवेंट लाइन। पेस्कल सोरियोट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एस्ट्राजेनेका सेड, वी आर वर्किंग टायरलेसली टू ऑनर आवर कमिटमेंट टू एंश्योर ब्रॉड एंड इक्विटेबल एक्सेस टू ऑक्सफर्ड्स वैक्सीन अक्रॉस द ग्लोब एंड एट नो प्रॉफिट। आई एम सेंडिंग द लिंक ऑफ देयर वेबसाइट। तो इसलिए साथियों, सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका का टीका बना रहा है, 200 रुपए पे भारत सरकार को दे रहा है। उन्होंने कहा है कि ये हम नो प्रॉफिट पे देंगे।
पर बेल्जियम के मंत्री एवा डी ब्लेका, उनके अनुसार उनको एस्ट्राजेनेका का टीका 1.78 यूरो प्रति खुराक या 2.18 अमेरिकी डॉलर प्रति खुराक या 158 रुपए में पड़ रहा है। तो सवाल सीधा यह है कि भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से वही टीका 200 रुपए में क्यों खरीद रहे हैं, वो भी तब जब एस्ट्राजेनेका ने अपनी वेबसाइट पर यह वादा किया है कि वो नो प्रॉफिट पे यह टीका बेचेंगे। अब आ जाइए भारत बायोटेक पे। कोवैक्सीन जो दूसरा टीका है उसका उत्पादन भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है। कोवैक्सीन की एक खुराक भारत सरकार को वो 295 रुपया प्रति खुराक में बेच रहे हैं। यह भी साफ है और इसका सबूत है और यह भारत बायोटेक ने माना है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी भारत सरकार की एजेंसी के सहयोग से यह टीका बनाया गया है। मैं वेबसाइट के लिंक्स इत्यादि सब आपको साथ साथ भेजे जा रहा हूं। साथ ही कोवैक्सीन को जो अनुमति है पहले चरण में आपका ध्यान चाहूंगा 375 लोगों के टेस्टिंग पर और दूसरे चरण में 380 लोगों की टेस्टिंग पर, यानी जो कोवैक्सीन को अनुमति मिली है आज तक उन्होंने केवल 755 लोगों पर टेस्टिंग की है और तीसरे चरण के परीक्षणों का अभी इंतजार है। तो तीन सीधे सवाल उठते हैं। नंबर एक, मोदी सरकार भारत बायोटेक को जो एक प्राइवेट कंपनी है इस वैक्सीन का 95 रुपया प्रति टीका अतिरिक्त क्यों दे रही है, जबकि इस वैक्सीन का आविष्कार भारत सरकार की एजेंसी ICMR के वैज्ञानिकों की जानकारी नॉलेज और एक्सपर्टीज से किया गया है। हमने आविष्कार करवाया तो हमें ही महंगा क्यों दे रहे हैं। दूसरा सवाल, मोदी सरकार इस वैक्सीन के लिए ज्यादा मूल्य क्यों दे रही है, जिसका परीक्षण अभी फेज वन और फेज टू में 755 लोगों पर ही हुआ है और इसके तीसरे चरणों के परिणामों का अभी इंतजार है। तो वो वैक्सीन जिसके फुल ट्रायल हो गई, फेज थ्री तक कंप्लीट हो गया, वो तो 200 रुपए में है। जो वैक्सीन अभी 755 लोगों पर टेस्ट हुई है वो 295 रुपए में है, तो हम 95 रुपए अतिरिक्त क्यों दे रहे हैं। तीसरा, क्या इस वैक्सीन की कीमत इसलिए सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से कम नहीं होनी चाहिए। भाई एक तो कंप्लीट ट्रायल वाली है, एक अभी ट्रायल अवेटेड है, तो कौन सी महंगी होगी। जिसकी कंप्लीट ट्रायल होगी वो ज्यादा महंगी होगी, जिसकी अवेटेड है वो थोड़ी और सस्ती होनी चाहिए, पर ये यहां उल्टी स्टोरी है, ऐसा क्यों। तीसरा पहलू, कोरोना के टीके का खुले बाजार में कीमत 1000 रुपया प्रति खुराक क्यों। 11 जनवरी 2021 को कुछ दिन पहले सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदार पूनावाला ने साफ तौर से कहा कि वो एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को खुले बाजार में 1000 रुपया प्रति खुराक बेचेंगे। मैंने उसका लिंक आपको भेज दिया, साथ साथ भेजे जा रहा हूं, जो भी मैं कह रहा हूं इन सबके लिंक्स भेज रहा हूं आपको। तो प्रश्न सीधा साथियों ये है, जब कोविशील्ड वैक्सीन भारत सरकार को 200 रुपया प्रति खुराक में दी जा रही है तो देश के नागरिकों के लिए 500% मुनाफा में क्यों बेची जाएगी। क्या इससे सीधा सीधा लोगों की जेब पर डाका नहीं डलेगा। 200 रुपए का वैक्सीन 1000 रुपया में क्यों, आम जनमानस से 500% मुनाफा क्यों। दूसरा सवाल, क्या मोदी सरकार का यह कर्तव्य नहीं कि वो कोविशील्ड वैक्सीन 1000 रुपया की बजाय 200 रुपया प्रति खुराक में खरीद कर जो भी लेना चाहे उसे 200 रुपए में उपलब्ध करवाए।
तीसरा सवाल, जब एस्ट्राजेनेका ने अपनी वेबसाइट पर यह कहा है कि वो बिना कोई मुनाफा कमाए ये टीका कोरोना का टीका देंगे, तो फिर सीरम इंस्टीट्यूट 500% मुनाफा क्यों कमा रहा है भैया? चौथा सवाल, क्या कोरोना की वैक्सीन राष्ट्रीय आवश्यक दवाइयों की सूची में नहीं रखी गई, क्योंकि होनी ही चाहिए? और क्या 1,000 रुपया प्रति खुराक की कीमत से बेचे जाने की अनुमति नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा दी गई है? प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए। और पांचवा सवाल, मोदी सरकार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग, प्रॉफिट मार्जिन, इसके बारे में कंपनियों से ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं मांगती? चौथा पहलू, कोरोना वैक्सीन के हिंदुस्तान में बने कोरोना वैक्सीन के निर्यात की अनुमति क्यों दी जा रही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत से ब्राजील को 2 मिलियन यानी 20 लाख खुराकों का निर्यात करने का निर्णय किया है, उसका लिंक भी मैं आपको भेज रहा हूं। सवाल सीधा यह है, इस देश में अभी भी अगर 3 करोड़ को आप टीका लगा भी देंगे तो भी 135 करोड़ लोग अभी बचे हैं, तो क्या देशवासियों को कोरोना का टीका लगाने में प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए? और इसका एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप? आदरणीय मोदी जी, कोरोना वैक्सीन फॉर ऑल, सभी के लिए कोरोना का टीका, यह मोदी सरकार की घोषित नीति होनी चाहिए। हालांकि देश के शेष 135 करोड़ लोगों को निशुल्क टीकाकरण यानी मुफ्त टीकाकरण या वैक्सीन के मूल्य, सरकारी खजाने पर लागत के भार, कंपनियों के मुनाफे का मार्जिन, इसके मामले में मोदी सरकार की नीति पूर्णतः स्पष्ट भी है और संदेह के दायरे में भी है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, यदि प्रति खुराक 1,000 रुपये ओपन मार्केट में बेची जाएगी तो 2 खुराक कोरोना के टीके की सबको लगवानी है, तो एक व्यक्ति को 2,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर मैं 400 रुपया उसमें से निकाल दूं, क्योंकि 200-200 रुपया में तो सरकार को भी बेच रहे हैं, तो 1,600 रुपया प्रति व्यक्ति अतिरिक्त देना पड़ेगा। अगर 100 करोड़ लोगों को देश के 135 करोड़ जो बच गए हैं, अगर 100 करोड़ लोगों को 1600 रुपया अतिरिक्त देना पड़ा तो उसकी लागत बनी 1,60,000 करोड़ रुपया। अगर देश के 100 करोड़ लोगों को 1600 रुपया अतिरिक्त देना पड़ा तो कॉस्ट बनी 1,60,000 करोड़ अतिरिक्त। क्या मोदी सरकार ने इस बात पर विचार कर इसका कोई हल निकाला है? इसलिए समय आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार आगे आकर कोरोना के निशुल्क टीकाकरण, ये कब और कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कौन देगा, इसके बारे में सारे सवालों को जनता के समक्ष स्पष्ट करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।